एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजीजेस। गाइस फर्स्ट देखते हैं वायरल डिजीज के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वायरल डिजीजेस मतलब इसके सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर, फटीग, सोर थ्रोट, हेडेक, इरिटेबिलिटी, रैशेज होना, स्नीजिंग, स्वोलन प्रोटोन सेल्स, एक्सेसिव वेट लॉस, ये सब सिम्टम्स हैं वायरल डिजीज के। इनके ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के, मेडिकेशन, प्रॉपर रेस्ट से और ड्रिंकिंग ज़्यादा वाटर लेने से। गाइस वायरल डिजीज हो कौन कौन सी सकती है, एक कॉमन कोल्ड है जो कि रीनो वायरस नाम के वायरस से फैलती है। स्मॉल पॉक्स के लिए वायरस होते हैं वेरियोला वायरस, रेबीज के लिए रेबीज लीजो वायरस, हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, पोलियोमाइटिस के लिए पोलियो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर आरएनए वायरस होता है, मीजल्स के लिए मीजल्स वायरल डिजीज रूबियोला वायरस से फैलती है, इंसेफेलाइटिस हर्प सिंपल वायरस से फैलती है, मम्स पैरा मिक्सो वायरस से फैलती है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज के क्या सिम्टम्स होते हैं। इनमें ब्लडी या फिर पेनफुल यूरिन होने लगता है, इरिटेबिलिटी, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वीकनेस, स्टिफनेस इन नेक, फ्लू लाइक सिम्टम्स और या फिर रेशेज होने लगते हैं, ये सभी सिम्टम्स है गाइस बैक्टीरियल डिजीज के। इनमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, किन किन को रिस्क हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, इन्फेंट्स या फिर चिल्ड्रन, ईटिंग रो अंडरकुक्ड केक, एग और मीट, मॉल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक डिजीज, जेनेटिक फैक्टर भी कोई हो सकता है, इम्यूनो डिफिशेंसी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज होती कौन कौन सी है और कौन से एजेंट से फैलती है, ये फैलती कैसे है। एक है अपने पास पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है। डिप्थीरिया कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलती है। कॉलेरा विप्रो कॉलेरा से फैलती है। लिप्रोसी एक डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे से फैलती है। पर्ट्यूसिस ये बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से फैलती है। टेटनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, प्लेग यर्सीनिया मिस्टिस, गोनोरिया नेजीरियम गोनोरिया, सिफिलिस ट्रिपोनिमा फेलेडियम से फैलती है। नेक्स्ट है गाइस सेल्मोनेलोसिस, ये फैलती है सेल्मोनेला एंटरोटोक्सिस से। गाइस नेक्स्ट देखते हैं डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया, एमीबाइसिस, ट्रिप्नोसोमियासिस, चेजिस डिजीज, लिम्बलियासिस एंड बेबियोसिस, क्रिप्टोस पोरिडोसिस, सेपेनिया एमीबिक, एंसेफेलाइटिस, प्लास्टोसिस्टोसिस, ट्राइकोमोनिसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ये है शिस्टोसोमियोसिस। गाइज ये सारी डिजीज हैं दैट आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।